नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दशरथ सिंह जोधपुर आसान से। आज एक अपन चीज बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी माहौल बनाया जा रहा है कि अग्निवीर में जो बच्चे हैं ट्रेनिंग छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं एयरफोर्स की। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे इतना नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे बच्चे ट्रेनिंग में, तो उन्होंने बताया सर लगभग हमारे उधर 150+ बच्चे फर्स्ट या सेकेंड डे ही अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़ के चले गए थे। ठीक है, उसके बाद जस्ट अभी बीच बीच में बच्चे छोड़ छोड़ के ट्रेनिंग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, और अभी जब जैसे ही उनका परेड वरेड कंप्लीट हुआ, तो उस समय भी कुछ बच्चे ट्रेनिंग छोड़ के गए हैं। ये केवल एयरफोर्स में हुआ है, अग्निवीर में जो आर्मी जीडी में वहाँ पे छोड़ने की रिपोर्ट ना के बराबर है, क्योंकि आर्मी का बंदा एक्चुअली डेडिकेट होता है आर्मी के लिए। देखिए, एयरफोर्स का बंदा थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार होता है, थोड़ा वो सॉफ्ट रहा हुआ होता है, तो उससे उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं होती। तो जो भी बंदे छोड़कर आ रहे हैं ट्रेनिंग के बाद या पहले, वो ऐसे नेगेटिव माहौल ना बनाए। कि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग 25% कहा था, और ये 50% ऑफिशियली आप मान लीजिए हो चुका है कि एयरफोर्स या आर्मी में 50% बच्चे लेंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप देखेंगे 1-1.5 साल के अंदर, इलेक्शन से पहले, या इवन मान लीजिए जैसे जैसे अग्निवीर के जो फेलियर सामने आएंगे, तो आप देखना लगभग 100% हो जाएंगे। अभी ऐसा ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट आर्मी जीडी के जिनका परेड क्लियर हो गया है, उनको इनडायरेक्टली एक हिंट दे दिया गया है कि उनका जो लगभग 100% बच्चे, जब ऑफिसर्स सारे जवानों के साथ एक साथ बात करते हैं, तो ऐसे बातों बातों में हिंट दिया जाता है कि वो 100% अंदर है, कोई उनमें से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि बच्चे पूरी तरह डीमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए 4 साल की नौकरी, डिफेंस की नौकरी बहुत चुनौती भर होती है। 4 साल में आप एक नॉर्मल बंदे को तैयार नहीं कर सकते, डिफेंस में आप कैसे तैयार करेंगे। तो जो भी बंदे छोड़कर आए हैं, ज्यादातर एक्स ग्रुप वाले, तो इस तरह का नेगेटिव माहौल नहीं बनाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, अग्निवीर अगर जो आगे कंटिन्यू करना चाहता है वो कंटिन्यू कर लेगा, जिसको खुद को छोड़ने, जिसको लगता है कि वो कोई और जॉब कर सकता है इजिली, तो खुद ही 4 साल बाद, उसके लिए अच्छी चीज है। नॉर्मली आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मली अगर आपको लगता है कि आप और पढ़ाई कर सकते हैं, अग्निवीर का जो रिजर्वेशन उसका फायदा उठा सकते हैं, और कुछ और करना चाहते हैं, तो 4 साल आपके लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब आप रिटायर्ड होंगे आपकी एज 22-23 साल ही होगी। तो जो भी बच्चे कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। कि मैं आपको बता चाहूँगा, लगभग आप मान लीजिए आने टाइम में फर्स्ट अग्निवीर बैच आप देखना, लगभग 100% बच्चे ही कंटिन्यू करेंगे, जो छोड़ेगा अपनी इच्छा से छोड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अग्निवीर को लेकर जो कुछ नेगेटिव माहौल बना जा रहा है कोचिंगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, या मान लीजिए किसी के द्वारा जो भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा इसको आप इतना नेगेटिव मत ले। कि जो भी जूनियर आपके आ रहे हैं, जो भी स्कूलों में है या जो भी कोचिंग कर रहे हैं, वो इसे डीमोटिवेट होते हैं। आपने कहने के लिए हवा में कह दिया भाई एयरफोर्स ये वो, 4 साल की नौकरी कौन करेगा, लेकिन इससे जूनियर्स डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि देखिए डिफेंस में कम एज में कौन जाता है, जिसके घर में सरकारी जॉब की ज़रूरत है, जिसके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिसके फादर को वो सपोर्ट करना चाहता है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, उसके पास जिम्मेदारी है। तो यकीन मानिए 12th पास मुझे लगता है एयरफोर्स, नेवी या आर्मी जीडी से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। रही बात 4 साल की, उसको आप एक साइड में रखिए। मुझे उम्मीद है कि 100% आप आने वाले टाइम में देखना, बच्चे 100% ले लिए जाएंगे, 4 साल वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर छोड़ कर आए, स्पेशली एक्स ग्रुप के, वो ऐसे नेगेटिव माहौल ना बनाए जिससे जूनियर डीमोटिवेट होते हैं। आपको हमेशा, आपके पास अनुभव है, आप पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव माहौल बनाएं, अगर आप छोड़ कर भी आएँ तो ऐसा बताएं जो उनको, देखिए छोड़ कर आने का क्या कारण। मुझे लगता है ज़्यादातर आप देखेंगे वाई ग्रुप के बच्चों ने नहीं छोड़ा है आर्मी जीडी में ना के बराबर, एस ग्रुप में छोड़ कर, जो छोड़कर है उनका कारण उनसे ट्रेनिंग सैर नहीं हो रही। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लेफ्टिनेंट की नौकरी छोड़ी है, तो ये तो देखिए एयरफोर्स है, तो कारण बस यही है कि वो घर में आराम से सॉफ्टवेयर रखें। वहाँ पे देखिए ट्रेनिंग में आपको छपड़े भी पड़ेगी, लाते भी पड़ेगी, पनिशमेंट भी मिलेगा, सब होगा, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं सर कई बार हमें थप्पड़ मार दिया जाता है, लेकिन फिर उन्हें दोबारा प्यार से बताया जाता है, उनको केवल लट से बैंड बजाई जाती है, केवल उनको सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, पर आप इसे इंजॉयमेंट की तरह लें। अगर किसी से चीज़ें सहन नहीं होती कि घर में उसने कभी इस टाइप का पनिशमेंट मिला नहीं, वो हमेशा बेटा 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 हवा में रहा, तो उसको ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो मेन कारण उनका केवल अग्निवीर नहीं है छोड़कर आ रहे हैं, मेन कारण है कि उनको वहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है, जो स्ट्रिक्टनेस होती है डिफेंस की, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो छोड़कर आ रहे हैं। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी छोड़कर आए ऐसे नेगेटिव माहौल मत बनाएं। आप अपनी कमी के कारण कहना छोड़कर आ रहे, या आपको लगता है आप कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके, अग्निवीर से भी अच्छा, तो आप करें, लेकिन डीमोटिवेट या नेगेटिव माहौल ना बनाएं। ये जो कोचिंगों का एनवायरनमेंट चल रहा है, या जो छोटे मोटे मीडिया वाले चल रहे हैं, आप इनके चक्रों में नहीं आए, दिल से मेहनत करें। अग्निवीर आप देखना जरूर, आप अगर आप दिल से चाहेंगे तो 100% आगे भी उसमें कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए, कोई भी कमेंट होता है, कोई डाउट होता है, आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।